औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग थ्री फेस इंडक्शन मोटर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का हमारा प्रसंग है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बनावट क्या है? थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टेटर, रोटर और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। एसी मोटर। एसी मोटर, एसी मोटर, एसी मोटर क्या होती है? एसी मोटर होती है जो विद्युत मोटर एसी पर कार्य करती है, एसी करंट पर कार्य करती है, वो एसी मोटर कहलाती है। यह मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमें पावर हाउसेस वगैरह से प्राप्त होती है और डायरेक्ट करंट जो है वो हमें बैटरी, डायनमो आदि से प्राप्त होती है। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर क्या है? वो मोटर जिसकी स्पीड सिंक्रोनस नहीं होती, नाम सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर कहलाती है। इसमें अन्य मोटर्स की तरह दो भाग होते हैं, पहला स्टेटर, सेकंड रोटर। डीसी मोटर्स की भांति एसी मोटर्स के स्टेटर और रोटर भागों में सप्लाई नहीं दी जाती, बल्कि उनके केवल स्टेटर में एसी सप्लाई दी जाती है और रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का करंट प्रेरित होता है। मीन्स दैट कि ऐसी मोटर जिसकी स्पीड सिंक्रोनस नहीं होती, नॉन सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर कहलाती है। इसमें अन्य मोटरों की तरह दो भाग ही होते हैं, स्टेटर और रोटर। जैसे कि डीसी मोटर्स में स्टेटर और रोटर के भागों में सप्लाई नहीं देते हैं, बल्कि केवल स्टेटर के एसी स्टेटर में ही एसी सप्लाई दी जाती है और रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट फ्लो होती है। इंडक्शन मोटर के प्रकार, इंडक्शन मोटर के प्रकार, इंडक्शन मोटर के चार प्रकार होते हैं। पहला है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर स्क्वायरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर। दूसरा है कला के आधार पर, एक कली मोटर और तीन कली मोटर। तीसरा है स्टेटर के खांचे के बनावट के आधार पर, क्लास ए मोटर, क्लास बी मोटर, क्लास सी मोटर और क्लास डी मोटर, क्लास ई मोटर, क्लास एफ मोटर। मोटर के सिरा प्लेटों के आधार पर खुली मोटर, बंद मोटर, अर्धबंद मोटर, संवातित मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बनावट जानेंगे हम। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बनावट,
ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग मोटर दोनों ही प्रकार की मोटरों के मुख्यतः निम्न भाग होते हैं। एक स्थिर भाग जिसे स्टेटर कहते हैं, घूमने वाला भाग जिसे रोटर कहते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार की मोटरों में स्टेटर की रचना समान होती है और निम्न चित्र से दर्शाया गया है। स्टेटर, स्टेटर का बाहरी भाग जो होता है वो ढलवा लोहा अथवा कास्ट आयरन स्टील का बना होता है। इसे योक या फ्रेम भी कहते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया भी गया है। ये जो है ये स्टेटर योक कहलाता है। योक योक के अंदर के भाग में पटलित सिलिकॉन क्रोड या खांचे कटे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये खांचे दिखाए गए हैं। ये जो अंदर है पटलित क्रोड है, इसमें ये खांचे दिखाए गए हैं। इसमें थ्री फेस बाइंडिंग की जाती है। 120 अंश पर इसका फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। बाइंडिंग जो की जाती है, बाइंडिंग के 6 टर्मिनल सिरे मोटर फ्रेम पर बाहर लगे टर्मिनल में बॉक्स में जोड़ दिए जाते हैं। रोटर की बनावट उपरोक्त दोनों मोटरों से अलग अलग होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर, ये देखिए चित्र में दिखाए गए हैं इंडक्शन मोटर के रोटर। ये खांचे हैं, ये खांचे दिखाए गए हैं तिरछे टाइप में। ये खांचे हैं, इनमें एल्युमिनियम या कॉपर बार्स डाली जाती हैं। इस प्रकार के रोटर को सिलिकॉन स्टील की गोल पत्तियों को आपस में संगठित कर शाफ्ट पर उचित विधि से कस दिया जाता है। स्टेटर पत्तियों की भांति यह पत्तियां भी वार्निश की परत से एक दूसरे से विद्युत रोधित कर दी जाती हैं, इंसुलेटेड कर दी जाती हैं। एक दूसरे से जो भी पत्तियां कसी जाती हैं, इसमें एक दूसरे से इंसुलेटेड कर दी जाती हैं। इस प्रकार रोटर पर बंद खांचे होते हैं जिनमें तांबे या एल्युमिनियम की छड़ों को डाला जाता है। यह छड़ें रोटर के दोनों तरफ तांबे या एल्युमिनियम के छल्लों के द्वारा आपस में लखपतित कर दी जाती हैं। वास्तव में ये तांबे या एल्युमिनियम की छड़ें रोटर को कुंडलन का कार्य करती हैं। मतलब ये जो छड़ें दिखाई गई हैं, ये जो खांचे दिखाए गए हैं, ये जो खांचे हैं, इनमें तांबे या एल्युमिनियम की छड़ें डाली जाती हैं और इन दोनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। रोटर के खांचे शाफ्ट के समांतर नहीं बने जाते हैं, बल्कि विषमित बनाए। अब देखिए रोटर की शाफ्ट के ये जो है खांचे जो हैं, ये थोड़ा सा तिरछे बनाए गए हैं, तिरछे टाइप में है। ये देखिए दिखाया गया तिरछे है। दूसरे रोटर पे देखिए, ये देखिए तिरछे हैं, इसके समानांतर नहीं होते शाफ्ट के। अब ये तिरछे क्यों बनाए जाते हैं, आगे देखते हैं। रोटर के खांचे विस्मित बनाए जाने के निम्न कारण हैं। ये चुंबकीय भनभनाहट को कम करते हैं। ये विस्मित क्यों बनाए जाते हैं, पहला नंबर है इसका। ये चुंबकीय भनभनाहट जो होती है, जो मैग्नेट जैसे किसी
बाइंडिंग में सप्लाई दी गई तो उसमें चुंबकी भनभनाहट होती है, चुंबक बनता है, मैग्नेट बनता है, तो उसमें कुछ न कुछ भनभनाहट होती है, ये चुंबकीय भनभनाहट को कम करते हैं। सेकेंड पॉइंट है ये रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति का को कम करते हैं। जो लॉकिंग प्रवृत्ति रोटर कभी कभी लॉक होने लगता है उसकी प्रवृत्ति को कम करते हैं। रोटर की आकृति पिंजरा जैसी होती है, एक पिंजरे की नुमा होती है, इसीलिए रोटर को पिंजरा, राउंड मोटर, राउंड रोटर और मोटर को पिंजरा मोटर कहते हैं। सेकेंड नंबर में आती है आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर। इस प्रकार के रोटर क्रोड पर डीसी आर्मेचर की तरह खांचे बने होते हैं। इसमें भी देखो खांचे दिखाए गए हैं, ये देखिए इसमें भी खांचे दिखाए गए हैं। इन रोटर में अल्टरनेटर की तरह थ्री फेस दो परतों का वितरित कुंडलन की जाती है। रोटर कुंडलन को आंतरिक रूप से स्टार या में संयोजित किया जाता है। इसको ये रोटर कुंडलन जो है इसको स्टार में संयोजित किया जाता है। स्टार में ये जो कुंडलन है, ये वाइंडिंग है, इसको स्टार में कनेक्टेड करते हैं। कुंडलन के शेष सिरों पर तीन परस्पर विद्युत रोहित स्लिप रिंगों पर जोड़ दिया जाता है। इन तीनों स्लिप रिंगों पर लगे कार्बन उस द्वारा तीन तार बाहर निकाल लिए जाते हैं। इनके जो है ये तीन तार बाहर निकाल लिए जाते हैं, जिन्हें मोटर के स्टार्टर के तीन प्रतिरोध से संयोजित कर दिया जाता है। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर मोटर स्टार्ट करने के समय रोटर परपथ में अतिरिक्त दिया जाता है ताकि प्रारंभिक बलों बलागुण बढ़ जाए। इसीलिए किया जाता है कि प्रारंभिक बल बलागुण इसका बढ़ जाए। थ्री फेस इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये मोटर काम कैसे करती है? इस मोटर का कार्य सिद्धांत भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की भांति विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियमों पर आधारित है। इसका जो कार्य है मोटर का, ये ट्रांसफार्मर की भांति विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियमों पर आधारित होता है। जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में एक घूमने वाला या घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें जो एक घूर्णी चुंबकीय घूमने वाला, इसमें जो है ऐसे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। स्टेटर में उत्पन्न घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर में भी एक उसी गुण का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब उसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होगा तो रोटर में भी उसी गुण का, सेम क्वालिटी का एक चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण रोटर में धारा उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल, जाहिर सी बात है विद्युत वाहक बल होगा तो धारा भी फ्लो होगी, तथा जब धारा फ्लो होगी तो उसमें एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो तथा अपना एक निजी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र और रोटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप रोटर घूमने वाले क्षेत्र की तरफ दिशा में ही घूमने लगता है। क्या होता है कि जो स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है और रोटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी पारस्परिक क्रिया होती है आपस में, उसके कारण रोटर घूमने वाली दिशा में घूमने लगता है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर कैसे घूमता है, आइए देखते हैं।
इंडक्शन मोटर के रोटर के घूमने के कारणों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर कुंडलन को थ्री फेस सप्लाई दी जाती है या थ्री फेस सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें तुल्यकालिक गति से सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह फ्लक्स वायु अंतराल से होकर रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है उससे होकर रोटर सतह को स्पर्श करता हुआ रोटर के चालकों को कट करता है। रोटर के चालक को कट करेगा तो गतिमान फ्लक्स, जो फ्लक्स है स्टेटर में जो फ्लक्स हो रहा है उसकी घूड़ी है, उसका गतिमान, वो फ्लक्स गतिमान है, रोटेट है। अब गतिमान फ्लक्स और स्थिर चालक, जो रोटर के चालक हैं वो तो स्थिर है, रोटर हमारा स्थिर है, घूम नहीं रहा है, तो गतिमान फ्लक्स और स्थिर चालकों की सापेक्ष गति के कारण रोटर के चालकों में इंडक्शन द्वारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। रोटर में एक विद्युत वाहक बल, गतिमान फ्लक्स है और स्थिर चालक, उनकी जो रिलेटिव मोशंस के कारण चालकों में इंडक्शन द्वारा, प्रेरण द्वारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल की मात्रा सापेक्ष गति एवं रोटर चालकों की संख्या पर निर्भर करती है। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ रोटर में, तो रोटर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा है वो सापेक्ष गति, जो गतिमान फ्लक्स और स्थिर चालकों के बीच जो सापेक्ष गति होती है वो रोटर चालकों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ज्ञात की जाए तो यह दिशा लेंज के अनुसार, लेंज नियम के अनुसार, लेंज सिद्धांत के अनुसार सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि लेंज का नियम कहता है कि हमेशा उस चीज का विरोध करे जिसके कारण वो पैदा हुआ है, इसीलिए ये सप्लाई वोल्टेज के विपरीत ही होती है, क्योंकि रोटर चालक आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं या लघुपतित होते हैं तो इनमें एक उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है या उच्च मान की धारा, उच्च धारा उत्पन्न होती है। तो रोटर चालकों में धारा प्रवाह के कारण रोटर में अपना एक निजी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है इंडक्शन मोटर में कि जब इंडक्शन थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर स्टेटर कुंडलों थ्री फेस सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें एक तुल्यकालिक गति से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये स्टेटर और रोटर के जो एयर गैप होता है उसको पार करता हुआ रोटर के सतह को स्पर्श करता हुआ रोटर के जो चालक हैं उनको कट करता है। अब चूंकि गतिमान फ्लक्स जो है आपका रोटेट है और चालक आपके रोटर के चालक जो हैं वो स्थिर है तो दोनों के बीच ये सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति के कारण रोटर चालक में एक इंडक्शन के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इस विद्युत वाहक बल की मात्रा सापेक्ष गति और रोटर चालकों की संख्या पर निर्भर करती है। अब इस विद्युत वाहक बल की मात्रा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाए तो लेंज सिद्धांत के अनुसार सप्लाई वोल्टेज की विपरीत दिशा में होती है। और दूसरा, रोटर चालक आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं तो जाहिर सी बात है जो चीज शॉर्ट सर्किट है उसमें एक हाई वैल्यू की करंट फ्लो होगी। अब इस करंट के कारण रोटर में भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चित्र के अनुसार कल्पना कीजिए कि स्टेटर क्षेत्र या फ्लक्स दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, स्टेटर जो है वो दक्षिणावर्त में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो सापेक्ष गति, रोटर की जो सापेक्ष गति हो जाहिर सी बात है वो वामावर्त होगी। तो दक्षिणावर्त नियम के अनुसार इंडक्शन द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा बाहर की ओर है, इसीलिए केवल रोटर धारा के कारण फ्लक्स की दिशा चित्र में दिखाई गई। अब वाम हस्त नियम के अनुसार संयुक्त क्षेत्र
या फ्लक्स के प्रभाव द्वारा यह स्पष्ट है कि रोटर के चालक एक बल का अनुभव करते हैं जो उसे दक्षिणावर्त दिशा में घूमने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार रोटर ठीक स्टेटर फ्लक्स की दिशा में घूमना आरंभ कर देता है। अब है घूर्णन बल, प्रारंभिक घूर्णन बल, गतिशील घूर्णन बल। घूर्णन बल क्या होता है? रोटर को घुमाने वाले बल को घूर्णन बल कहते हैं। इसका मान क्या होता है? टी समान पाते टी प्रोपोर्शनल रोटर धारा फ्लक्स इनटू पावर फैक्टर। प्रारंभिक घूर्णन बल क्या होता है? मोटर पर बिना लोड अथवा लोड पर प्रारंभ करने में लगने वाले घूर्णन बल को प्रारंभिक घूर्णन बल कहते हैं। मोटर को या बिना लोड पे या लोड पर प्रारंभ करेंगे जो घूर्णन बल काम करेगा वो प्रारंभिक घूर्णन बल कहलाता है। गतिशील घूर्णन बल लोड पर मोटर की सामान्य गति पर प्राप्त होने वाला घूर्णन बल गतिशील घूर्णन बल कहलाता है। अब रोटर से संबंधित शब्दावली है कुछ। रोटर आवृत्ति, रोटर में प्रेरित विद्युत विभाग बल, रोटर प्रतिघात और रोटर धारा। अब रोटर आवृत्ति एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ, यह है। एफ आर क्या है? रोटर की फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या है? सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति है। यदि S, S क्या है? S स्लिप है। यदि S रोटर स्थिर है तो S का मान भी 1 होगा। तो एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब है आपके प्रेरण मोटर के प्रकार। प्रेरण मोटर कितने प्रकार की होती है? प्रेरण मोटर को अतुल्यकालीन मोटर भी कहते हैं क्योंकि इसकी रोटर, इसका जो रोटर होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के गति के समान नहीं होता। जो स्टेटर में अभी हमने बताया सिद्धांत में कि स्टेटर में जब सप्लाई दी जाती है तो उसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जो रोटर घूम रहा है वो उस चुंबकीय क्षेत्र की गति के समान नहीं घूमता है। प्रेरण मोटर का जो स्टेटर है वो अल्टरनेटर के स्टेटर के समान होता है परंतु रोटर की बनावट में अंतर होता है। अतः प्रेरण मोटर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है पिंजरा प्रारूप इंडक्शन मोटर, दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर क्या होती है? पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर की संरचना सरल होती है। इस मोटर की शून्य लोड तथा फुल लोड पर गति एक समान हो। इसमें जो गति होती है वो एक समान होती है। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? जब त्रिकलई सप्लाई एक थ्री फेस के लिए लपेटे हुए स्टेटर की को दी जाती है तब एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, रोटर के चालकों को काटता है और उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। स्टार्टिंग के समय इस ईएमएफ के कारण रोटर में अधिक धारा बहती है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसके अतिरिक्त एक स्थिर, यह स्थिर भी होता है। इसमें अधिकतम धारा के अतिरिक्त प्रारंभिक बलाघूर्ण भी कम होता है क्योंकि प्रारंभन के समय मोटर के स्टार्टिंग के समय रोटर का शक्ति गुणक कम और रिएक्टेंस अधिक होता है। जब रोटर अपनी सामान्य गति कर लेता है तब रोटर में उत्पन्न यह ईएमएफ की आवृत्ति घट जाती है। रोटर की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो घट जाती है क्योंकि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र और रोटर की आपसी गति घट जाती है। जो रिलेटिव मोशन है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो कम हो जाता है।
रोटर आवृत्ति की कमी, रोटर आवृत्त जो रोटर आवृत्ति की कमी होती है से रोटर रिएक्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए प्रारंभन के पश्चात रोटर के प्रतिरोध का प्रभाव मोटर के शक्ति गुणक को बढ़ा देता है। इस प्रकार शक्ति गुणांक के बढ़ने की आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं और इस प्रकार पिंजरा प्रारूपी मोटर का रनिंग बलागुण बढ़ जाता है। लोड के बढ़ने से मोटर का शक्ति गुणांक और अधिक बढ़ता है। पिंजरा प्रारूपी मोटर प्रेरण मोटर के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। प्रायोगिक तौर पर पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर की नियत गति की मोटर है, जो पिंजरा प्रारूपी मोटर है उसकी गति जो होती है वो नियत होती है, स्थिर होती है। इसे प्रारंभ करते समय मोटर का शक्ति गुणांक कम होने के कारण प्रारंभिक बलागुण भी कम हो जाता है। इस प्रकार ऐसे मोटर को बिना लोड के स्टार्ट किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक बलागुण कम होने के कारण ऐसी मोटरों को बिना लोड के ही स्टार्ट किया जाता है। अतः इसे लेथ, वाटर पंप, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, स्लॉटर, सामील, फ्लोर मिल आदि में उपयोग किया जाता है। ये मोटरें कहाँ कहाँ? लेथ मशीन में, वाटर पंप में, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, स्लॉटर, सामील और फ्लोर मिल आदि में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर क्या होती है? स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का स्टेटर भी पिंजरा प्रारूपी मोटर की स्टेटर की तरह होता है। लेकिन इस मोटर के रोटर की रनिंग जो बाइंडिंग होती है वो स्टेटर की बाइंडिंग जैसी होती है। मोटर बाइंडिंग के पोलों और फेजों की संख्या मोटर बाइंडिंग के पोलों और फेजों की संख्या के समान होती है। जो मोटर की बाइंडिंग होती है उसके जो पोल्स होते हैं, फेज होते हैं, उनकी संख्या जो स्टेटर के बाइंडिंग और स्टेटर बाइंडिंग के पोलों और फेजों की संख्या बना, मतलब दोनों की बाइंडिंग स्टेटर की हो या रोटर की, दोनों की बाइंडिंग सेम पोल और सेम फेस के की होती है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? एक थ्री फेस रोटर वाइंडिंग के लिए तीनों फेसों के तीनों सिरों को समान एक बिंदु के स्टार से जोड़ देते हैं। एक बिंदु पर स्टार में जो स्लिप रिंग के रोटर का वाइंडिंग होती है वो स्टार में कनेक्टेड होती है और जो शेष तीनों सिरों को मोटर की शाफ्ट पर लगी स्लिप रिंगों से जोड़ देते हैं। मोटर की लाल उसमें जो स्लिप रिंग लगी होती हैं उसमें जोड़ देते हैं। इन स्लिप रिंगों को इन पर रखे हुए कार्बन ब्रश, जो स्लिप रिंग है उनमें कार्बन ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश को स्टार में जुड़े प्रारंभिक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। चालू करते समय प्रारंभिक बलागुण बढ़ाने और प्रारंभिक धारा घटाने के लिए बाहरी प्रतिरोध रोटर परिपथ में लगा दिया जाता है। जैसे ही मोटर अपनी सामान्य गति प्राप्त करती है, जैसे ही मोटर उसके बाद बाहरी प्रतिरोध लगाने के बाद जब मोटर अपनी सामान्य गति प्राप्त करती है तब बाहरी प्रतिरोध को रोटर परिपथ से धीरे धीरे काट देते हैं, धीरे धीरे उसको काट दिया जाता है और स्लिप रिंग मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो आज मैंने थ्री फेस इंडक्शन मोटर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं भविष्य हेतु यह मददगार होगा।